नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आसमान में दम हिंदुस्तान का परचम, जी हां, फॉरवर्ड एयरबेस तक पहुंचा है आज तक, और उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरे साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया को करा रही है इस वक्त लद्दाख के फॉरवर्ड बेस से। आसमान में सुखोई की गरज है तो मिग भी पूरी तरह से मुस्तैद है, कम चिनूक भी नहीं, जिसने ड्रैगन को डराना शुरू कर दिया है। आज तक के कैमरे ने आपके लिए वायुसेना के इन सारे वीरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद की हैं। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी भारत चीन सीमा के बेहद करीब एक फॉरवर्ड एयरबेस में गए और वायुसेना की तैयारियों का लिया है जायजा। इन लड़ाकू जहाजों की गर्जना से चीन का सहम जाना पूरी तरह से तय है। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहा है आसमान। दुश्मन की साजिश तार तार करने वाली तैयारी कर रहा हिंदुस्तान। आज मौका मुलाकातों और बातों का नहीं, एक्शन का है। आज वो तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्हें देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये भारतीय वायुसेना की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर चीनियों का दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा और दिमाग सुन्न हो जाएगा। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने भारतीय चीन सीमा के बेहद करीब एक फॉरवर्ड एयर बेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। शुरुआत करते हैं सुखोई की गगनभेदी गर्जना से। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000, आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खासतौर से जब हम चीन से लगने वाले सरहद के एक फॉरवर्ड बेस एयरबेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। भारतीय चीन सीमा के करीब जिस फॉरवर्ड एयरबेस पर आज तक पहुंचा वो सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच इस एयरबेस पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगाते दिख रहे हैं। इन विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले मिग-29 विमान की झलक। यह है वायुसेना का मिग-29 लड़ाकू विमान जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अहम भूमिका निभाई थी, और इस वक्त ये लेह में तैनात किया गया है। दो इंजन वाला ये ताकतवर लड़ाकू विमान सरहद पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। इस फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना अहम मिशन में जुटी हुई है। मिशन है चीन की हर चालबाजी पर नजर रखना। आसमान से सीमा के गिर्द हर हलचल पर नजर रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सुखोई के अलावा मिराज 2000 भी तैनात है, तो जगुआर भी है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर निगरानी कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे की। इन्हें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों में तैनात किया गया है जहां थल सेना चीनी सैनिकों का डटकर सामना कर रही है। यह है अपाचे हेलीकॉप्टर जो हाल में अमेरिका से खरीदे गए हैं। 22 हेलीकॉप्टर ऐसे खरीदे गए हैं, और अब यहाँ पर इस वक्त ये चीन सरहद पर इसको तैनात किया गया है। खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। सरहद की रक्षा करने की इस कवायद में चिनूक हेलीकॉप्टर का किरदार भी कोई कम नहीं है। लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन और हथियार पहुंचाने के मिशन में चिनूक बखूबी लगे हुए हैं। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है, और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं, और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। कहते हैं खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जाती। चीन के साथ तनातनी में चिनूक फिलहाल इसी मिशन को पूरा करने पर लगा हुआ है।
सैनिकों तक खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए। इसकी जिम्मेदारी तब और भी अहम हो जाती है जब सरहद पर तनाव लंबे वक्त तक चलता है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है, खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार राशन की अहम जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना पिछले करीब 2 महीने से मोर्चा संभाले हुए है। जाहिर है वहां तक सैनिकों की आवाजाही और खाद्य रसद पहुंचाने की दोहरी जिम्मेदारी वायुसेना पर ही है और इसे वो बखूबी निभा रही है। भारत चीन सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मनजीत नेगी, आज तक। फॉरवर्ड एयरबेस से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। अभी आपने देखा आसमान को चीरते हुए भारतीय जहाजों का जलवा। अब हम आपको मिलवाते हैं उन जाबाजों से जिनके छोटे से इशारे पर बड़े बड़े फाइटर प्लेन दुश्मन की साजिश तार तार कर देते हैं। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में हर चुनौती को पार करने वाली ये पायलट पराक्रम की वो परिभाषा है जिन्हें पढ़ना और समझना चीन के बस की बात नहीं है। उम्मीदों का है आसमान, ताकतवर तेवरों वाला है ये हिंदुस्तान। सरहद की सुरक्षा के इनके अरमान, इन वायु वीरों को देश का सलाम। हमने आपको दिखाया कि कैसे भारत और चीन सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस में भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है और चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए बेकरार भी। चीन से तनातनी के बीच आज तक भारतीय चीन सरहद के करीब फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचने वाला पहला चैनल है। आपने आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों की हुंकार सुनी। अब हम आपको मिलवाते हैं उन वायु वीरों से जिनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। ये हिंदुस्तान के वो एयर वॉरियर्स हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। विमान चाहे लड़ाकू हो या फिर हेलीकॉप्टर, लद्दाख जैसे इलाके में इन्हें उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। वहां का मौसम, ऊंचे पहाड़ और सरहद पर पहुंचने में एक एक पल बचाने का दबाव, ऐसे मुश्किल हालातों में धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले इन जाबाजों से भी आज तक ने मुलाकात की। इस मुलाकात में आप भी देखिए कि इनका जोश कैसे हमेशा हाई रहता है। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। फॉरवर्ड एयरबेस में तैनात इन फाइटर पायलटों ने देश को साफ तौर पर भरोसा दिलाया कि सरहद पर जिस तरह के मुश्किल इम्तिहान देखने को मिल रहे हैं उसके लिए वो और उनके लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार है। यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज़ अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। इस बेस पर और पूरी भारतीय वायुसेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी।
वायुसेना एलएसी के करीब चीन की चालबाजी को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ डटे रहना चाहती है ताकि जमीनी लड़ाई लड़ रही थल सेना को बैकअप दिया जा सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर आसमान से ही दुश्मन को धूल चटाई जा सके। इस मिशन में कई लड़ाकू विमानों के अलावा MI-17 V-5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन में अहम किरदार निभा रहे हैं। खासतौर पर पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में चुनौतियों का बखूबी से सामना किया जा रहा है। ये भारतीय वायुसेना ही थी जिसके लड़ाकू विमान ने मई में LAC पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था और लेह से मिनटों में ही उड़ान भरकर चीनी विमान को फौरन लौटने पर मजबूर कर दिया था। भारत और चीन की तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के चीफ RKS भदौरिया ने भी लेह दौरा किया था और तैयारियों का जायजा लिया था। शौर्य की ये तस्वीरें ही तो हैं जिनकी वजह से हर देशवासी गर्व से सिर ऊंचा कर चीन को चेतावनी देता है कि ये 1962 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है। आसमान से ये चौकन्नी आंखें ही तो हैं जो देश की सरहदों पर निगरानी रखे हुए हैं। भारतीय सेना का ये पराक्रम ही तो है जो चीन की हर साजिश को पटखनी देने का हर पल हौसला देता है। जोश है, ये जज्बा है, मुश्किल हालात में इस हाइट पर यहाँ पर फॉरवर्ड एयरबेस है वायुसेना का और मौसम की मुश्किलात हैं, सामने दुश्मन बैठा हुआ है, इन तमाम चुनौतियों के बीच में यही एक खासियत होती है एयर वॉरियर की, मुश्किल हालात में कम समय में दुश्मन को धूल चटाना। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस आज तक। आसमान में हिंदुस्तान का दम लगातार, आप देख रहे हैं भारत के वायुवीर जहां चीन को सबक सिखाने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयार हैं, वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घकालिक तरीके से चीन को घेरने की तैयारी पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये मिशन है चीन के डिजिटल वर्चस्व को तोड़ने का। 69 चीनी ऐप पर बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल युवाओं को टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक जैसा ऐप बनाने का दिया है चैलेंज। एक तरफ आसमान में वायुवीर गरज रहे हैं तो जमीन पर थल सेना के जाबाज मोर्चे पर तैनात हैं। उधर सागर में नौसेना के जलवीर चीन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सेना के मोर्चे तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन को घेरने के लिए पीएम मोदी एक और मोर्चा तैयार कर रहे हैं जो सामने से दिखता तो नहीं, लेकिन ये मोर्चा अगर कामयाब हुआ तो चीन को ऐसी मार पड़ेगी जिससे उसकी हेकड़ी हवा हो जाएगी। ये मोर्चा है डिजिटल जगत में चीन की सुपर मैसी को तोड़ने का, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में डाल दी थी। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं, अगर IT प्रोफेशनल्स हमारे दुनिया की IT कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गूगल का इनोवेशन हमारे यहां नहीं होता है? क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं, काम आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए। और भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस डिजिटल इंडिया की नींव रखी थी, LAC पर चीन की गुस्ताखी से उपजे आक्रोश ने उसे कामयाबी के लिए प्रेरित कर दिया। पीएम मोदी ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करते हुए कहा, हमारे युवा आगे आए और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाए, मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। पीएम मोदी की यह अपील मायने रखती है क्योंकि उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में चीन से होड़ लेने की चुनौती को पीएम मोदी बखूबी समझते हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि ये चुनौती दो स्तर में होगी, एक मौजूदा ऐप का प्रचार करने में और दूसरे नए ऐप विकसित करने में। उन्होंने कहा कि इस चुनौती को सरकार और प्रौद्योगिकी समुदाय दोनों मिलकर संचालित करेंगे। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में
20 जवानों की शहादत के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया था। ये कदम था चीन के आर्थिक हितों को चोट करने का। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया। टिकटॉक जैसे चीनी ऐप की भारत से ही भारी भरकम कमाई होती थी, जो अब बंद हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ टिकटॉक बंद होने से ही चीन को हर साल करीब 720 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चीनी ऐप पर बैन लगाना भारत के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को बगैर नाम लिए चीन को साफ साफ संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा भी था कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। कहावत है कि संकट में वीरों की ताकत निखर कर सामने आती है। भारत की ताकत भी अब निखर कर सामने आने वाली है। आईटी के क्षेत्र में दुनिया में भारतीयों की धाक किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि हम जल्द ही इस क्षेत्र में क्रांतिकारी कामयाबी हासिल कर चीन के वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। भारत से पंगा लेकर चौतरफा घिर गया है चीन। भारत ने चीन के 59 ऐप बैन किए तो चीन के डिजिटल ताकत का प्रतीक हुआवे को अमेरिका ने बैन कर दिया है। और इतना ही नहीं, आज अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर अपने देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को कोरोना के लिए फटकार लगाई है। चीन को महंगी पड़ेगी भारत से दुश्मनी। दुनिया भर में अलग थलग पड़ा चीन। भारत ने 59 चीनी ऐप किए बैन। अमेरिका ने हुआवे पर लगाया बैन। कोरोना संकट पर भी चीन पर गरजे ट्रंप। दुनिया भर को कोरोना महामारी के खतरे में झोंकने के बाद दुनिया की डिजिटल महाशक्ति बनने के चीन के सपने को इतना जल्दी झटका लगेगा, ये शी जिनपिंग ने भी सोचा नहीं था। भारत ने चीनी ऐप बैन कर उसे तगड़ा झटका दिया तो अमेरिका ने भी चीन की हुआवे कंपनी पर बैन लगा दिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन भी अपने यहाँ 5G नेटवर्क में हुआवे के उपकरण को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। उधर पिछले हफ्ते सिंगापुर में 5G नेटवर्क के ठेके में चीन की कंपनी हुआवे नोकिया और एरिक्सन से पिछड़ गई। भारत में भी हुआवे को बैन करने की मांग तेज हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका जैसा देश हुआवे को एक राष्ट्रीय खतरा मानता है तो एनडीए भाजपा सरकार ने उनको 5G ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने की, भाग लेने की अनुमति क्यों दे रखी है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत हुआवे और ZTE पे प्रतिबंध लगाया जाए। दुनिया भर में हुआवे को चीनी ताकत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भारत से चीन की पंगेबाजी के बाद एक एक कर हुआवे के साम्राज्य पर दुनिया भर में चोट पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हुआवे समय पर अपने 5G तकनीक मुहैया कराने के वादे को पूरा कर पाएगी या नहीं। एक तरफ चीन की डिजिटल ताकत को झटके पर झटका लगता जा रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना का दाग उसके दामन से छूटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर चीन को फटकार लगाई। But there and then we got hit by the virus that came from China. We have become the manufacturer on record for ventilators. We have the most and finest testing anywhere in the world. And we are producing gowns and masks and surgical equipment in our country.
when heretofore it was almost exclusively made in foreign lands, in particular China, where, ironically, this virus and others came from. China's secrecy, deceptions, and cover-up allowed it to spread all over the world, 189 countries, and China must be held fully accountable. अमेरिका ने चीनी मंसूबों को लगाम लगाने के लिए इलाके में अपनी सेना भेजने तक का इरादा जता दिया तो फ्रांस और जापान जैसे देश भी इस विवाद में भारत के साथ खड़े हो गए। जाहिर है पड़ोसियों की जमीन पर बुरी नजर रखने वाला चीन पहली बार खुद बुरी तरह घिरा है। यकीनन भारत से उसकी पंगेबाजी भारी पड़ गई है। आज तक ब्यूरो। भारत चीन तनातनी के बीच आज का अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं कि आज पूरे दिन क्या क्या हुआ है आपको बताते चले। भारतीय वायुसेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, भारत चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना ने गश्त बढ़ा दी है। एलएसी पर भारतीय सेना की एक और डिवीजन तैनात की गई है। अब कुल 4 डिवीजन एलएसी पर भारतीय सेना की ओर से तैनात किए गए हैं। लेह से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा भी की है। काफी महत्वपूर्ण आज की ये बेहद खास मुलाकात। वहीं जिनपिंग ने भारत की सामरिक ताकत को कम आंका। शी जियांगताओ रक्षा विशेषज्ञ चीन के, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है कि भारत की सामरिक ताकत को कम करके आंका। शी जिनपिंग ने उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से हुवेई को 5G से हटाने की मांग की है। आज की ये बड़ी खबर है। इस मांग को लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।